आप लोग हमें बहुत बार बोल चुके हैं कि हमें JBL के प्रोडक्ट्स भी रिव्यू करने चाहिए, तो आप लोगों के कहने में मैंने यहाँ पे ये मंगवा लिया है। दैट इज JBL ट्यून 130 NC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 5000 रुपीज के आसपास है। इसका एक और वर्जन भी आता है, दैट इज JBL ट्यून 230 NC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। उसमें आपको चैन शेप के ईयरबड्स मिलेंगे, इसमें आपको इन डिजाइन के ईयरबड्स मिलेंगे। हालांकि 230 NC में आपको 6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, उसका प्राइसिंग भी थोड़ा ज्यादा है, और इसमें आपको मिलने वाले हैं 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स। बाकी आपको सब बिल्कुल सिमिलरिटी है, सब आपको सेम मिलने वाली है। तो मुझे लगा इस वाले को मंगाना चाहिए, ज्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी डील लगी। और अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का, इस वीडियो में आपको एक एक प्रॉपर डिटेलिंग पता चल जाएगी इस ईयरबड्स के बारे में, ताकि वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप पूरी डिटेलिंग चेक करने के बाद डिसाइड कर पाए कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको JBL ट्यून 130 NC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे बड़ा सा आपको प्रीमियम सा पैकेज मिल जाएगा। एंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है गूगल वॉइस असिस्टेंट का फीचर और एलेक्सा बिल्टन का भी फीचर मिलने वाला है। हम आगे एक्जैक्टली चेक करेंगे। बैक साइड में आप देख सकते हैं ईयरबड्स यहाँ से झाक रहे हैं। सो अच्छी आपको बिल्कुल प्रीमियम पैकेजिंग मिल जाएगी। बॉक्स के अंदर कॉन्टेंट देखेंगे तो आपको इस टाइप की पैकेजिंग मिलने वाली है। प्रॉपर तरीके से सब चीज पैक्ड है। ईयरबड्स, ईयरबड्स का केस, आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाएंगे, टाइप सी का चार्जिंग केबल मिल जाएगा फ्रंट में ही। एंड इसके लिए हम देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक प्रॉपर क्विक स्टार्ट गाइड, इसमें आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। एंड यहाँ पे आपको JBL हेडफोन्स का जो एप्लीकेशन है उसको आपको फीचर मिलने वाला है, कैसे एक्जैक्टली वर्क करता है हम आगे डिस्कस करेंगे पूरी प्रॉपर डिटेलिंग के साथ। एंड साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ और पेपर वर्क, चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे मेन प्रोडक्ट की, दिस इज द ईयरबड्स केस यू विल बी गेटिंग। फ्रंट में आपको JBL की ब्रांडिंग मिल जाएगी, पूरा आपको प्रॉपर मैट फिनिश का केस मिलने वाला है। बिल्ड क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, ऐसे कोई डेडिकेटेड बटन नहीं दिया गया यहाँ पे। एंड इसको आप आराम से पॉकेट में कैरी कर पाएंगे, पोर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल अच्छा यहाँ पे आपको परफेक्ट होल्ड मिल जाएगा ईयरबड से केस का। एंड अगर हम इसको ओपन करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट्स भी मिल जाएंगे, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दोनों ही बड्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पैक्ड हैं। एंड जो लॉक दिया गया है केस का, बिल्कुल आपको प्रॉमिसिंग मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का लॉक दिया गया, ऐसे ही बंद नहीं होता ऑटोमेटिकली। दोनों ही बड्स प्रॉपर तरीके से पैक्ड है, मैग्नेटिक लॉक्स आते हैं, गिरने के चांसेस नहीं है। बात करेंगे बर्ड्स की, बर्ड्स आपको बिल्कुल प्रॉपर JBL ब्रांडिंग के साथ दोनों ही बर्ड्स मिलने वाले हैं इंडिया डिजाइन के। एंड लुक एंड फील आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यूनिक दिया गया है मार्केट से बिल्कुल हटके। एंड जो प्लास्टिक क्वालिटी मेंटेन की गई है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, बिल्कुल आपको अच्छे लुक एंड फील के साथ प्रीमियम क्वालिटी मिल जाएगी। और अगर आप प्रॉपर ईयरकॉक्स लगाएंगे अपने कानों के सिक्योर फिट के हिसाब से, मेनली क्या ईयर्स टू ईयर्स डिपेंड करता है आपके कान के साइज कैसे हैं, थोड़े बहुत बड़े बड्स दिए गए हैं या मेरे कानों में सिक्योर फिट तो प्रोवाइड किए लेकिन परफेक्ट सिक्योर फिट बोलते हैं ना, मेरे को थोड़ा बहुत मिसिंग लग रहा था। अगर मैंने वर्कआउट्स किया, ज्यादा रनिंग करा, तो बाई चांस कभी कभी लग रहा था कि हाँ कानों से स्लिप हो रहे हैं बड्स। मेरे कानों में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा सिक्योर फिट नहीं प्रोवाइड किए। अच्छा आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर ईयरकॉक्स लगाएंगे अपने कानों के हिसाब से तो। एंड साथ में इसमें आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जैसे आप ईयरबड्स का केस ओपन करेंगे, जो भी आपका डिवाइस है यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा ईयरबड्स को, उस हिसाब से आप पेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको JBL हेडफोन का सपोर्ट मिलने वाला है। एप्लीकेशन का मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूँ बड्स से। एंड अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन में सबसे ऊपर ही दिखा देगा जो बैटरी परसेंटेज है केस की और बड्स की, यहाँ पे आपको दिखा देगा। साथ ही इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, एम्बिएंट मोड और टॉक थ्रू मोड मिलने वाला है। इससे आप स्विच कर सकते हैं कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा इक्वलाइजर मोड, ये एक बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट इस एप्लीकेशन में। आपको कौन सा आउटपुट चाहिए, कैसे एक्जैक्टली आउटपुट चाहिए, अलग अलग यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिलने वाले हैं एप्लीकेशन पार्ट में ही। कोई सा भी आप सिलेक्ट करके आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि आपको लोस कैसे चाहिए, मिड्स और हाइस कैसे चाहिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी एप्लीकेशन में, इससे आप कनेक्ट करके पूरी प्रॉपर तरीके से म्यूजिक और बेस का आउटपुट ले पाएंगे। एंड अगर हम बैक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो दिया गया है ऑडियो और वीडियो का इनपुट, यहाँ पे आप ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप ऑडियो प्ले कर रहे हैं या वीडियो प्ले कर रहे हो, सबसे सिलेक्ट करके आपका आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। एंड जो जेस्चर्स दिए गए हैं टच कंट्रोल्स के, उसको भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, एक्जैक्टली देख सकते हैं कि लेफ्ट ईयरबड से क्या हो, राइट ईयरबड से क्या हो, प्रॉपर आपको फुल टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसमें आपको वॉइस सेशन का फीचर, जो अलग अलग मोड्स दिए गए, ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, किससे स्विच हो, एंड यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन, प्ले पॉज का ऑप्शन, सब आपको पूरी प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। एंड जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है, इसको आप सेट कर सकते हैं, आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट फीचर चाहिए या फिर आपको बिल्ट इन एलेक्सा का फीचर चाहिए, यहाँ से आप सेट करके जो भी आप वॉइस कमांड देंगे उस हिसाब से यहाँ पे एक्सेप्ट करके या आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको फाइंड माई बर्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, घर के अंदर ही रखे हुए हैं, लेफ्ट या राइट वाले को आप प्ले करेंगे, जो भी आप प्ले करेंगे जो वो पर्टिकुलर बर्ड है बिल्कुल पीप करके लंबी सी आपको साउंड आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, ताकि आप यूटिलाइज करके उसको ढूंढ पाएं। एंड यहाँ पे आपको पावर सेविंग का ऑप्शन भी मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बर्ड्स आइडल पड़े हुए हैं, आपको ऑटोमेटिकली ऑफ करने हैं, तो यहाँ पे आप सेट करके प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको भी। पूरी आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी इस एप्लीकेशन पार्ट में।
स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिल जाएगा, 4 माइक का आपको सेटअप मिलेगा, दो दो माइक आपको दोनों ईयरबड्स में मिलेंगे, एंड JBL हेडफोन एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे इसके बैटरी की, इसमें आपको मिलने वाला है 8 to 10 hours का प्ले टाइम ऑन अ सिंगल चार्ज, एंड टोटल आपको अप्रॉक्सिमेटली 25 to 30 hours तक का प्ले टाइम मिल जाएगा विद द चार्जिंग केस। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट करता है, 10 मिनट्स के चार्जिंग में आपको अप्रॉक्सिमेटली 2 hours का प्ले टाइम मिल सकता है विद दिस ईयरबड्स, और डिपेंड करता है आप ANC मोड में म्यूजिक सुन रहे हैं या विदाउट ANC मोड में म्यूजिक सुन रहे हैं। तो सो यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से और JBL ब्रांड को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आपको परफेक्ट इसका लुक एंड फील मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। एंड अगर आप इसको एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे, एप्लीकेशन भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क करती है, मैं बिल्कुल बहुत टाइम तक इसको यूज कर चुका हूं, एप्लीकेशन को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, प्रॉपर आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे, फीचर्स भी आपको इसमें बिल्कुल लेटेस्ट मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बस इसका सिक्योर फिट है ना मेरे कानों में, मैंने ईयरकप्स अलग अलग ट्राई करके देखे, थोड़े बड़े ईयरबड्स अगर आपको इस डिजाइन के ईयरबड्स कंसिडर करना चाहते हैं तो ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन मेरे कानों में पता नहीं क्यों बार बार थोड़ी देर में स्लिप हो रहे थे, मैंने वर्कआउट्स करा था, थोड़ा बहुत उछक रहा था तो हल्के से कभी कभी ये कानों में स्लिप हो रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट सिक्योर फिट नहीं बोल पाएंगे, फिर भी आपको मैनेजेबल अच्छा सिक्योर फिट मिल जाएगा, लेकिन ये ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे तो आपको काफी तक सिक्योर फिट भी मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे इसके मेन फीचर की, दैट इज एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर, मोड एंबिएंट मोड दिया गया, इसमें आपको टॉक थ्रू मोड भी दिया गया है, इसका ANC मोड सही तरीके से वर्क करता है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं 80 to 90% बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देगा, दूर की आवाज आपको बिल्कुल नहीं आने वाली, जब तक आपके सामने कोई बोलेगा नहीं आपको नहीं पता चलेगा क्या बोल रहा है वो, इसका ANC मोड मुझे सही लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी इसकी ANC फीचर को लेके। बात करेंगे इसके एंबिएंट फीचर को लेके, अगर आप म्यूजिक को 40 या 50% वॉल्यूम पे सुनेंगे तब आपको एक्जैक्टली पता चलेगा आपके बैकग्राउंड में एक्टिविटीज क्या हो रही है, अगर आप हायर वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, एंबिएंट मोड सही तरीके से वर्क करता है अगर आप म्यूजिक को कम वॉल्यूम पे सुनेंगे तो। और इसमें एक और फीचर बढ़िया दिया गया है टॉक थ्रू मोड, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं सामने आपके कोई आगे आपको उससे बात भी करनी और आप चाहते हैं म्यूजिक भी चलता रहे बैकग्राउंड में, अगर आप टॉक थ्रू मोड में बिल्कुल एंटर करेंगे डबल टैप करके लेफ्ट वाले ईयरबड को तो क्या होगा, जो म्यूजिक जो आपका प्ले हो रहा है 20% वॉल्यूम हो जाएगी ऑटोमेटिकली और 80% आपको बैकग्राउंड एक्टिविटीज पता चलेंगे क्या हो रहा है, तो आप उससे बात भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी हल्का फुल्का बैकग्राउंड में चलता रहेगा आपके, तो ये एक फीचर अच्छा दिया गया है, अगर सामने वाला बंदा चला गया फिर आप डबल टैप करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा, फिर अपने हिसाब से आप म्यूजिक एंजॉय कर पाएंगे, सो ये अच्छा फीचर दिया गया है इसका टॉक थ्रू मोड। एंड अगर हम बात करेंगे इसे गेमिंग एक्सपीरियंस की, हालांकि इसमें ऐसे जो आपको कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं दिया गया है, मैंने BGMI गेम टेस्ट किया है उसको आप देख लीजिए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा एक्जैक्टली आपको गेम आउटपुट कैसे मिलने वाला है। यार इसमें आपको गेमिंग के टाइम में जो NOD एक्सपीरियंस आपको सही मिल जाएगा, पता कर पाएंगे एनिमीज कहाँ से आ रही लेफ्ट से कि राइट से, लेकिन आपको लेटेंसी काफी हद तक देखने को मिल सकती है, अगर आप बिल्कुल हार्डकोर गेमिंग करते हैं हैवी गेम्स खेलते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट गेमिंग नहीं मिलने वाली है, नॉर्मल गेम्स आप इसमें खेल सकते हैं लेकिन आप हैवी गेम्स के लिए मैं बोलूंगा दूसरा कोई ऑप्शन देख सकते हैं, ये गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स तो नहीं है, इसमें आपको डिसेंट गेमिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्ट आपको गेमिंग नहीं मिल पाएगी। अब हम बात करेंगे मेन, दैट इज द साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। यार अगर आप वीडियो के यहां तक पहुंच ही चुके हैं तो यार लगे यार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और चैनल पर नए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए लगे यार, थैंक यू। इसके म्यूजिक एक्सपीरियंस की बात करेंगे, इसमें आपको 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, लाउडनेस आपको बढ़िया मिल जाएगी, मेनली जो कमाल है इसका वो है एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ, जो अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स दिए गए आप बिल्कुल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपको वोकल से क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन ज्यादा चाहिए या आपको बिल्कुल सराउंडिंग बेस चाहिए, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अलग अलग जो इक्वलाइजर मोड्स दिए गए अपने हिसाब से आप सेट भी कर सकते हैं, आपको लोज मिड और हाइज कैसे चाहिए, इसका बिल्कुल आपको जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है परफेक्ट मिलने वाला है बिना किसी डिस्टॉर्शन के, प्योरली अगर आप म्यूजिक लवर है जो JBL का सिग्नेचर म्यूजिक है इसमें आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, म्यूजिक पार्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बात करेंगे बेस की, बेस इसमें आपको अच्छा सराउंडिंग मिलने वाला है, जो बेस बूस्टेड मोड दिया गया अलग अलग आपको इक्वलाइजर मोड्स दिए हैं अब बिल्कुल सही तरीके से वर्क करते हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं आपको सराउंडिंग बिल्कुल गूंजता हुआ पावरफुल बेस मिल जाएगा, लेकिन जो पंचिनेस आपको लग सकता है कि हाँ थोड़ी बहुत और पंचिनेस दे सकते थे, लेकिन अगर आप प्योरली बेस सवर हैं इसको आप डेफिनेटली अच्छे म्यूजिक पावरफुल बेस के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे कॉलिंग की, इसमें आपको 4 माइक्स मिलेंगे, दो दो माइक्स आपको दोनों ही ईयरबड से मिलेंगे, मैंने अपने फ्रेंड से बातें की थी आउटडोर कंडीशन में, उसके आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए फिर आपको अंदाजा लग जाएगा एक्जैक्टली आपको कॉल आउटपुट कैसे मिलने वाला है। हाय सिद्धांत, कैसे हो भाई? मैं बढ़िया भैया। बढ़िया यार, अभी ना JBL की तरफ से मेरे पास है JBL 130 NC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, मैं उनसे अभी लगा के आपसे बातचीत कर रहा हूँ आउटडोर कंडीशन में। आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है? आपकी आवाज तो बहुत क्लियर आ रही है, क्लैरिटी है मेरी आवाज से। अभी नीचे यहाँ पे काफी हलचल हो रही है, हवा चल रही है, नीचे सब्जी वाले जा रहे हैं उनकी गाड़ी से, हाँ आ रही है सबकी आवाज आ रही है, विंड नॉइज भी आ रही है, उसकी भी आवाज आ रही है। अच्छा, उनकी आवाज आ रही है आपको नीचे बैकग्राउंड की? हाँ थोड़ी बहुत आ रही है। तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकते हैं? आपकी
80% फोकस्ड है पर नॉइज भी सुनाई दे रही है साथ में। बैकग्राउंड की हाँ अच्छा वोकल सी क्लैरिटी है मेरी। हाँ बढ़िया क्लियर वॉइस आ रही है। अच्छा ओवरऑल कॉलिंग कैसी बोल सकते हैं? कॉलिंग बहुत बढ़िया है लेकिन आउटडोर में नॉइज बहुत आ रही है। अच्छा अच्छा ओके सिद्धार्थ थैंक यू। ओके सर कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपको अंदाजा लग गया होगा एक्जैक्टली से आप आउटपुट कैसे मिलने वाला है। कॉलिंग के टाइम पे मैं अपने फ्रेंड से बातें किया था आउटर कंडीशन में, जब मैं बात कर रहा था उसको फिर भी मेरी आवाज बिल्कुल फोकस ही सुनाई दे रही थी 70-80%, लेकिन उसको हाँ पता भी चल रहा था बैकग्राउंड में एक्टिविटीज क्या हो रही है। जब मैं शांत बैठ रहा था उसको पता चल रहा था एक्जैक्टली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं बात कर रहा था फोकस ही मुझे ही सुन पा रहा था। इसको आप इंटर कंडीशन की कॉलिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन में रख सकते हैं। आउटर कंडीशन में भी सामने वाला आपको सुन पाएगा जब आप बोलेंगे, लेकिन उसको बैकग्राउंड नॉइज भी पता चलेगी हल्की फुल्की बैकग्राउंड में एक्टिविटीज क्या हो रही है। इसमें आपको अच्छी कॉलिंग मिल जाएगी, बहुत ज्यादा परफेक्ट कॉलिंग आप नहीं बोल पाएंगे। अब हम बात करेंगे रेटिंग्स की, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। आउट ऑफ 10 करेंगे हम रेटिंग्स। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10 और मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8 out of 10। दीज आर रेटिंग्स ऑल इन टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 4500-5000 रुपए के बीच में इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। सो घूम फिर के अगर आप बिल्कुल हार्डकोर म्यूजिक लवर, अगर आपको म्यूजिक पार्ट से बेस पार्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अगर वो JBL ब्रांड का बिल्कुल प्रॉपर सिग्नेचर म्यूजिक भी चाहिए, इसको आप म्यूजिक पर्पस के लिए और अच्छी कॉलिंग पर्पस के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। गेमिंग के लिए अगर आप बोलूंगा तो दूसरों को ईयरबड देख सकते हैं, गेमिंग्स में आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं मिलने वाली है, लेकिन म्यूजिक बेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, अच्छा आपको लुक एंड फील मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए JBL ब्रांड की तरफ से, इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट that. So this was all about the unboxing, reviews, ratings, calling test and gaming test of the recently launched, बोल सकते हैं, that is JBL Tune 130 NC True Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation feature. Hope you like this one and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.